शुरू करें। 1 जुलाई से पूरे देश के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 1 महीने पहले 1 जून से ही दिल्ली सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की शुरुआत की है। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने से 2 तरह के चैलेंज आने वाले हैं। पहला कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्शन में, उसकी सप्लाई में, उसकी बिक्री में जितने लोग लगे हुए हैं उनके सामने, इंडस्ट्री के सामने, वर्कर के सामने एक नया चैलेंज खड़ा होगा। दूसरा, जितने बड़े पैमाने पर हम सब लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं उसका अल्टरनेट कैसे मिलेगा, इन्हीं 2 बिंदुओं को लेकर के आज अलग अलग विभागों के साथ इसके समाधान के लिए अलग अलग जो स्टार्टअप जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिससे कि इसके समाधान की तरफ हम लोग बढ़ सकें। आज हमने यहाँ पर स्टॉल भी लगवाए, लगभग 17 ऐसे स्टार्टअप या ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के जो उपयोगी सामान हैं उनका विकल्प क्या हो सकता है उसको प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए, विकसित किया जाए, इसके लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला हमने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर जून के महीने में एक स्टेट लेवल का एक वीकली मेला जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेट के जो प्रोडक्ट हैं उसको, मेले का आयोजन सरकार जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के करेगी, जहां पर इस तरह के प्रोडक्ट रखे जाएंगे और उसको प्रचारित किया जाएगा जिससे कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। दूसरा, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे पुराने और नए, या जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के उसमें काम कर रहे थे, अभी सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है उसके तहत क्या क्या सुविधा उनको मिल सकती है, इस तरह के फील्ड में लगे हुए लोगों को स्पेशल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिससे कि वो इसका लाभ उठा करके और नए फील्ड में नए प्रोडक्शंस की तरफ जो है वो बढ़ सकें। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आज MCD को ये जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग मार्केट में जो जो दुकानें सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करती हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए जिससे कि भविष्य में इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हैं, उनको उनके साथ जो है वो टाई अप किया जा सके। तो इस तरह से छोटे छोटे आउटलेट लगाने का काम चल रहा है, उसका एक डिटेल जो है सरकार तैयार करने का हमने निर्देश दिया है सभी MCD को, जिससे कि एक सामूहिक रूप से हम मिल करके जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उससे जो पर्यावरण पे खतरा है उससे दिल्ली को बचा सकें और साथ ही साथ नया मार्केट और नया विकल्प के रूप में लोगों को दिक्कत ना हो उसका भी समाधान निकाल सकें। तो इस पर्पज़ को लेकर के आज ये शुरुआत हुई है और हमें भरोसा है कि और आगे मिल करके लोगों के साथ इसका हम और समाधान निकालेंगे। थैंक यू। अभी जो लिस्ट लगभग 90 आइटम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो है जारी किया है, तो अभी तो चूंकि जो आउटलेट थे आज उसमें से कुछ ही चीज़ों का अल्टरनेट यहां पर दिखा है, इसीलिए हमने एक बड़े मेले का आयोजन करने के 7 डेज कर रहे हैं,
जिसमें ऑल इंडिया से भी लोगों को हम इन्वाइट करेंगे, जिससे कि अभी तक क्या क्या अल्टरनेटिव देश भर में हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, और फिर जो गैप पैदा होता है उसके लिए स्पेशल प्लान बनाया जा सके। सर, आप बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, तो ऐसे में अगर 1 जुलाई से पूरे देश में हो रहा है तो दिल्ली की अगर बात करें तो कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं, कितना सख्ती से आप इम्प्लीमेंट करा पाएंगे? नहीं देखिए, चैलेंज है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सब लोग मिल करके इसको सकारात्मक तरीके से अगर किया जाए, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनती है, लोगों को विकल्प मिलता है, तो सरकार इस प्रयास को कर रही है कि उस दिशा में हम लोगों का सहयोग करें, क्योंकि बाई फोर्स नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बाई अल्टरनेट इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो सरकार की प्राथमिकता है कि इसके अल्टरनेट पर ज़्यादा काम किया जाए। रिसाइकल पेट प्लास्टिक इनटू डायरेक्ट फूड पैकेजिंग, जो यहाँ पे एक आदमी भी दिखा रहा था, दैट कंटेनर, ब्लैक कंटेनर, सो इफ दैट इज अलाउड एंड इट्स रिसाइकल्ड वर्जन इज अलाउड विद नो स्टडीज एंड ऑल, सो डजंट इट मेक इट अ बिट आयरोनिकल कि फिर 19 सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बैन कर देंगे, बट जो मेन इशू है वो तो रहेगा, इस पर कुछ एक्सप्लोर करेंगे क्या? नहीं, अभी जो इसमें जिसे इसको लेकर के घर से अभी आज हमने बहुत सारे ओपिनियंस आए हैं, तो जो इसको लेकर के ओपिनियंस आ रहे हैं, जो चैलेंजेज आ रहे हैं, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी आगे जो है संवाद करेंगे कि धीरे धीरे इसके समाधान की तरफ बढ़ सकें। एक जो चैलेंज है, जो ये लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं, उसका जो लॉस प्रॉफिट है, उस पर दिल्ली सरकार क्या कहती है? नहीं, लॉस प्रॉफिट से इनको बहुत पहले से समय दिया जा चुका है, तो दिल्ली सरकार अपने स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से नए फील्ड में अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनको जो है सहयोग करेगी। सर, आप सहयोग तो क्लियर करेंगे ना, क्या सहयोग करेंगे, कितना परसेंटेज? पॉलिसी के तहत करेगी ना, अलग अलग आइटम की अलग अलग पॉलिसी घोषित हो चुकी है। सर, 1 जुलाई से देश भर में इससे